आज सुबह हैदराबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर मधुमोहन रेड्डी और उनके टीम ने दो अफराद को गिरफ्तार किए। पिछले हफ्ते एक हाउस ब्रेकिंग अफेंडर को हम लोग अरेस्ट करे थे, जिनका एसोसिएट से ये दोनों को जब से फरार में थे आज इन दोनों को अरेस्ट करें। ये दोनों का नाम शेख ओबेद, 30 साल का ऑटो ड्राइवर ओल्ड सिटी का है, और उनके एसोसिएट और एक जफर खान उर्फ अब्बू नाम के हैं। ये दो लोग मंत्री शंकर से मिलके हाउस ब्रेकिंग ऑफेंसेस करते थे। इसमें पूरा बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि ये शेख ओबेद के खिलाफ आज का दिन तक पूरे 17 केसेस में NBW पेंडिंग है और इनके खिलाफ टोटल 25 केसेस है। इससे पहले इन्होंने रॉबरी, थ्रेटनिंग, एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट्स भी किया, उनके खिलाफ केसेस में शामिल थे उन्होंने। और खासियत से 5 केसों में इन्होंने फायर आर्म्स दिखा के रॉबरी करने का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर है। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद उनके पास से हम लोग ज़्यादा सोना और चांदी भी रिकवरी करें और 1 लाख से ज़्यादा बढ़ के अमाउंट भी रिकवरी करे थे। और जब से इन दोनों उनको पकड़ने के बाद ये दो लोग भाग गए और सिटी में कई जगह पे थे। लास्ट मंथ से हम लोग इन तीनों को पकड़ने में कोशिश में थे। एक जने तो पकड़े गया, फिर बाद में एक हफ्ते से इन दोनों का एड्रेस तो नहीं मिल रहा था। और आज सुबह ये अपना इन्वेस्टिगेशन और सर्च जारी रहा। आज सुबह सैदाबाद पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक रोड पे इन दोनों को देखते ही हमारा साउथ जोन टीम और लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके दोनों को पकड़े गए। और इन दोनों के पास से अभी आप देखे सो 2 डैगर्स और 100 ग्राम का सोना और एक 10 ग्राम का यानी 1 तुला का सोना भी सीज करें और चांदी 100 ग्राम का चांदी भी सीज करें और 29,000 पैसे भी इनके पास से हम लोग सीज करें। और ये जो रिकवरी करे सो अमाउंट और सोना चांदी ये पहले मंत्री शंकर के पास से रिकवर करने के बाद ये इसका कंटिन्यूशन है ये। और जिसके बाकी है जिनको पिछले केसेस में दिए सो नहीं, अभी ये बाद में हम लोग उनके पास उनको देते हैं ये कोर्ट के ऑर्डर से। और अभी दूसरा आदमी जो है जफर खान अब्बू, इनके खिलाफ कुछ केसेस नहीं है। इन्होंने थोड़े महीने से ये ओबेद के पास रह रहा था और उन्होंने एक छोटा गैंग बना के मंत्री शंकर ओबेद और इन्होंने तीनों मिलके एक छोटा गैंग बना के उन्होंने मंत्री शंकर हाउस ब्रेकिंग करे जब ये दोनों भी असिस्ट कर रहे थे। खासियत से ये अभी अब्बू है सो इन्होंने 27 साल का है, इन्होंने चोरी करे सो माल को ये डिस्पोजल करने में ये लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। और शेख ओबेद कालापत्थर पुलिस स्टेशन का रौडी शीटर भी है। उन्होंने हर एक महीने लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और टास्क फोर्स ऑल रौडी शीटर्स को बुला के काउंसलिंग भी करते हैं हम लोग, लेकिन 3-4 महीने से गैर हाजिर है
और इनको सीडीआर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने एक जगह पे नहीं रहता, उन्होंने कई उनका जगह उनका घर कई चेंज करते रहता ताकि पुलिस को पुलिस के नज़र में से निकलने के लिए। और इन दोनों को पकड़ने में हमारा साउथ जोन टीम इंस्पेक्टर मधुबन और उनके चार सब इंस्पेक्टर राम रेड्डी वर्मा थकीउद्दीन और श्रीशैलम ये चारों सब इंस्पेक्टर्स और उनके टीम बहुत कोशिश करके आज इन दोनों को पकड़े। आज भी ये लोग दो डैगर प्रोक्योर करके रखे थे ताकि वो लोग कुछ रॉबरी अटेम्प्ट करने के लिए, उसको अटेम्प्ट भी प्रिवेंट करे हमारा टीम और ऊपर से थोड़ा अमाउंट और सोना चांदी भी रिकवर करे। अभी इससे पहले शेख उबैद पीडी एक्ट में जाके आया, जब भी उनको मंत्री शंकर से परिचय हुआ अभी भी वो फ्रेंडशिप आज भी चल रहा था और एक बार केसेस रिव्यू करके उनको अगेंस्ट पीडी एक्ट भी लगाने के लिए कोशिश करेंगे। 17 MBW पेंडिंग है बोलते, यानी 17 केसेस पेंडिंग ट्रायल में है और 2-3 केसेस में कन्विक्शन भी हुआ, उन्होंने वो सज़ा पूरा करने के बाद भी उन्होंने ऐसा केसेस में इन्वॉल्व किया। हमारा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बोल के एक है, यानी वो लोगों को कुछ काउंसलिंग करते और स्टिक यानी थोड़ा डराने के लिए हम लोग पीडी एक्ट और कन्विक्शन भी दिलाते। ये कन्विक्शन दिलाने के बाद पीडी एक्ट इज़ ए ग्रेवेस्ट इज़ ए मेजर थिंग, यानी एक साल तक उन्होंने जेल में रह सकता फिर भी ये लोग नहीं सुधरे और बार बार ऐसा कर रहे हैं। हम लोग इसलिए हम लोग सस्पेक्ट शीट ओपन करके और इनको हर एक महीने काउंसलिंग भी दे रहे फिर भी थोड़े बहुत लोग सुधर रहे हैं, लेकिन ये थोड़े लोग ऐसा कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी सज़ा मिलने के बाद भी रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलने के बाद भी और एक इसमें शामिल है ये केसों में और एक बार भी इनके ऊपर पीडी एक्ट लगाने के लिए कोशिश करते, देखेंगे अभी उनको बदलाव होता है देखेंगे।